वेल, आज बात करने वाली हूँ शुगर, मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में। हमारे देश में डायबिटीज़ या शुगर के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एंड आयरनी इस बात की है कि 60-70% केसेस में पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि उसको शुगर की बीमारी है, और अनजाने में ही वो कोई इलाज नहीं कर पाते, वो डाइटरी चेंजेस नहीं कर पाते, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर पाते, और ये बीमारी फिर धीरे धीरे शरीर को खोखला करती चली जाती है। हमारे देश में मोस्टली लोग अपने रूटीन टेस्ट नहीं करवाते हैं, और यही रीज़न है कि ऐसी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। तो डायबिटीज़ या शुगर से बचने के लिए ना, पता ज़रूर होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम है या नहीं है। सिंपल से तीन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ, उन पर दबा करके आप ये जान सकते हैं कि आपके शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं, आपको डायबिटीज़ की बीमारी है या नहीं, और उन्हीं पॉइंट्स पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, इलाज भी कर सकते हो, आपका शुगर लेवल नॉर्मल आता चला जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एक्यूप्रेशर की कोई नॉलेज नहीं है आपको तो भी आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं, या आपको डायबिटीज़ की बीमारी है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है आपकी ये जो मिडिल फिंगर है और ये जो रिंग फिंगर है, इससे नीचे की तरफ आएंगे एक उंगली का गैप दे करके, यहाँ ये पॉइंट है, ये यहाँ पर आप स्टिमुलेशन देंगे। आपके पास एक्यूप्रेशर का कोई प्रॉप है तो उससे आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं, या फिर पेन या पेंसिल से दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्रेशर दिया, यहाँ। अगर आपको पेन की नोक या पेन की टिप चुभ रही है, सिर्फ उसी का दर्द है, तो बहुत अच्छी बात है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन यहाँ दबाते ही या इस पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे कहीं भी दबाते ही आपको दर्द है, और इतना दर्द है कि बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका पैनक्रियाज सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर में ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बन रहा है, या इंसुलिन के प्रति शरीर आपका इनसेंसिटिव हो गया है और शुगर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ रही है, आपको डायबिटीज़ की बीमारी का खतरा है, या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये पता करने का कि डायबिटीज़ आपके शरीर में है या नहीं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, एक तो हुआ ये पॉइंट, आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे एक उंगली का गैप देकर ये वाला एरिया यहाँ पर और इसके आसपास के एरिया में दबा करके देखेंगे आपको दर्द हो रहा है या नहीं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा भयंकर पेन है तो आप फिर अपने प्रॉपर टेस्ट कराइए और पता लगाइए। ये इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। और अगर बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब एकदम करहा रहे हो यहाँ दबाते ही, तो डेफिनेटली इट इज़ देयर। ठीक है, और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो है आपकी ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के नेल के जस्ट नीचे नेल बेड पर अगर आप दबाएं पेन या पेंसिल से या फिर किसी प्रॉप से, यहाँ ये देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बिंदु, ये बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ आप पेन या पेंसिल से दबाते हैं। अगर पेन या पेंसिल का ही दर्द हो रहा है आपको, टिप का पेन है, इट्स ओके, लेकिन अगर आपको दबाते ही इतना ज़्यादा बेइंतहा पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। तीन पॉइंट है, तीनों में से किसी भी एक पॉइंट में दर्द हो रहा है, तीसरा पॉइंट भी अभी बताऊंगी, या फिर तीनों में ही पेन हो रहा है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ब्लड शुगर लेवल टेस्ट। अपना टेस्ट ज़रूर कराइए और पता लगाइए ये प्रॉब्लम आपको है या नहीं। तो दो पॉइंट हो गए, एक हो गया ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे बीच में एक उंगली छोड़कर ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ये, और तीसरा पॉइंट है आपके एल्बो पर। आप इस तरीके से एल्बो को फोल्ड कीजिए, ये यहाँ पर एक क्रीज बनती है आपकी, ये देखिए, ये यहाँ पर क्रीज बनती है आपकी, क्रीज के एंड में क्रीज बनती है आपकी, ये लाइन बनती है इसके एंड में, यहाँ जहाँ पर ये क्रीज ख़त्म हो रही है उसके एंड में आपने दबा करके देखना है। अगर आपका शुगर लेवल हाई है, अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो यहाँ आपको भयंकर पेन होगा, या आप मार्क देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप आसपास के एरिया में भी दबा करके देख सकते हैं,
भयंकर पेन होगा आपको अगर आपको डायबिटीज या शुगर की बीमारी है तो। तो ये तीन पॉइंट है ये चेक करने के लिए कि कहीं आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ तो नहीं है, कहीं आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल में कोई गड़बड़ी है या नहीं। और यही तीन पॉइंट्स है ट्रीटमेंट के। आप मानोगे नहीं, इन्हीं पॉइंट से डायग्नोसिस किया जाता है, इन्हीं पॉइंट से ट्रीट किया जाता है। आपने सुबह शाम एक दो मिनट के लिए दोनों हाथों में ये पॉइंट इसी तरह से स्टिमुलेट करने हैं। जस्ट आपने पेन की टिप से या फिर अपने नेल से, नेल बेड से इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देना है। ऐसे भी दबा सकते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे प्रेशर भी दे सकते हो, जैसे आपको सही लगे, या फिर पेन की टिप से। ये आप मानोगे नहीं, 10-15 दिन लगेंगे, आप खुद अपनी कंडीशन में रिलीफ फील करोगे, आपको लगेगा कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है। दवाई अगर चल रही है, दवाई करते रहिए, 10-15 दिन आप ये ट्रीटमेंट करके देखिए। यहाँ दबाइए, देन मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ आपको प्रेशर देना है, और यहाँ ये चेक करने के लिए भी है, डायग्नोस करने के लिए भी है, और ट्रीट करने के लिए भी है। ये तीनों पॉइंट डायबिटीज़ की बीमारी को, शुगर की बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो सिंपल सी टेक्निक है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अपने रिजल्ट ज़रूर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। डायग्नोस करना चाहते हैं तो भी ये तीनों पॉइंट आपने दबाने हैं, और ट्रीट करना चाहते हैं तो भी ये तीनों पॉइंट आपने दबाने हैं। और अगर हल्का सा भी टेस्ट में फिर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आता है, तो आपने सबसे पहली जो चीज़ छोड़नी है वो है रिफाइंड शुगर छोड़नी है, मैदा छोड़ना है, और चावल छोड़ने हैं। ये तीन चीज़ें आपने छोड़नी है। और क्या डाइट में इंक्लूड करना है, मेथी दाना इंक्लूड करना है, दालचीनी इंक्लूड करनी है, और अलसी इंक्लूड करनी है। ये तीन चीज़ें आपने डाइट में इंक्लूड कर लेनी है। और साथ ही साथ सुबह खाली पेट अगर आप 3 से 4 कड़ी पत्ता चबा लेते हैं, या फिर अगर आप सुबह खाली पेट जामुन की गुठली का पाउडर ले लेते हैं, या फिर अगर आप आम के पत्तों का पाउडर ले लेते हैं 1 चम्मच गर्म पानी के साथ, तो क्या बात है, शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। आपको अंग्रेजी दवाइयों की यानी कि एलोपैथिक दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, जो बंदा 5 साल से भी ज़्यादा डायबिटीज़ की दवाइयों का सेवन कर लेता है ना, जो एलोपैथी दवाई खा लेता है शुगर कंट्रोल करने की, उसका शरीर अंदर से फिर खोखला होना ही होना है, उसको और प्रॉब्लम्स लगनी ही लगनी है, और ये प्रूव हो चुका है। तो इसलिए नेचुरोपैथी को अपनाइए, एक्यूप्रेशर को अपनाइए, अपने आप को खुद हील कीजिए, दवाइयों से छुटकारा पाइए। ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।